महाराष्ट्र की कई सारी बड़ी परियोजनाओं के राज्य से बाहर जाने पर लगातार विपक्ष शिंदे सरकार पर हमलावर होती हुई नजर आ रही है, और इसी पर आज शिंदे सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। महाराष्ट्र सरकार एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति का गठन करेगी, जो कि इस बात की जांच करेगी कि बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं ने पिछले 3-4 महीनों में राज्य के अलावा अन्य स्थलों को कैसे चुना। राज्य के एक मंत्री ने बुधवार को यह घोषणा की। राज्य के उद्योग मंत्री उदय सामंत ने कहा कि मामले में तथ्य सामने लाने के लिए जल्द ही एक श्वेत पत्र भी जारी किया जाएगा और इस समिति को 60 दिनों के भीतर रिपोर्ट सौंपनी होगी। आपको बता दें कि बड़े प्रोजेक्टों के राज्य के बाहर जाने को लेकर शिंदे बीजेपी की गठबंधन की सरकार पर विपक्ष लगातार आलोचना कर रही है। वेदांता फॉक्सकॉन का 1,54,000 करोड़ रुपए का सेमीकंडक्टर प्लांट पहले पुणे में लगाया जाना था, लेकिन सितंबर में उसके गुजरात में स्थापित होने की घोषणा हो गई। अक्टूबर में एक और बड़ा प्रोजेक्ट महाराष्ट्र के हाथ से निकल गया जब यूरोपीय एविएशन फॉर्म एयरबेस के कंसोर्टियम और टाटा ग्रुप ने सैन्य विमान बनाने के लिए परियोजना बड़ोदरा को दे दिया। और इसी तरीके से इस पूरे मामले पर सावंत ने कहा कि इसको लेकर राजनीति हो रही है, और सावंत ने यह भी कहा कि 60 दिनों के भीतर कमेटी यह बताएगी कि परियोजनाएं महाराष्ट्र से बाहर कैसे गई, इन परियोजनाओं को लेकर कब बैठकें हुई, कब इनको लेकर MOU साइन किए गए। इन्होंने कहा कि इस जांच के माध्यम से महाराष्ट्र के अलावा अन्य राज्यों में रोजगार पैदा करने वाली परियोजनाओं के बारे में युवाओं के मन में पैदा होने वाले सभी संदेह दूर हो जाएंगे, जो लगातार विपक्ष सरकार पर आरोप लगा रही है, हमलावर होती हुई नजर आ रही है। उन सभी बातों का कोई आधार नहीं रहेगा और इस जांच से, इस कमिटी से ये बात तय हो जाएगी कि इसके पीछे का क्या कारण है, क्यों महाराष्ट्र से सभी परियोजनाएं बाहर जा रही हैं।